हेलो फरेंडा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, अब हम आप लोग हम क्या बताएं, अंदर से हम बहुत दुखी है क्योंकि आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब हम हेलो फरेंडा ही बोल के आप लोग बुलाएंगे आप लोग को। हेलो फ्रेंड गाइस, ये जो कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस हेलो फरेंडा बोलेंगे। आज हम जा रहे हैं फरेंडा आलू और टमाटर की भुजिया बनाने, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी का फेवरेट भुजिया है। तो आज भुजिया ही बनाएंगे, आलू और टमाटर का भुजिया। तो फरेंडा देखिए, यहाँ पे हमने आलू ले लिए हैं 4-5, और यहाँ पे 3 हमने टमाटर ले लिए हैं और 1 प्याज। और मिर्चा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि उनको तीखा बहुत कम पसंद है, तो हम लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड करेंगे ताकि वो राहत। हमने 4-5 आलू ले लिए हैं जो कि उसको छिलका निकाल लिए हैं, और यहाँ पे टमाटर भी ले लिए हैं जो अच्छे से धुल लिए हैं, और यहाँ पे 1 प्याज ले लिए हैं। और मिर्चा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि तीखा नहीं पसंद है, इसलिए हम नहीं ऐड करेंगे। तो बिना तीखा, आज कम तीखा का बनाएंगे, उसमें बस मिर्चा पाउडर ऐड कर देंगे। तो वह चलते हैं। हाँ तो फरेंडा देखिए, यहाँ पे हमने बारीकी आलू काट के रख लिया है, और यहाँ पे प्याज भी काट के रख लिए हैं बारीकी, टमाटर भी बारीकी काट के रख लिए हैं। यहाँ पे कढ़ाई गरम करने के लिए गैस पे रख दिए हैं। कढ़ाई मेरा लगभग गरम हो गया। अब इसमें डालते हैं सरसों का तेल। यहाँ पे हम सरसों का तेल डाल रहे हैं, अपने स्वादाही अनुसार डालिएगा। जीरा, हमारा तेल भी लाल हो गया है गाइस, इसमें डाल देते हैं जीरा, देते हैं प्याज जो हमने बारीकी काट के रख लिया था। तो चलाते हैं गाइस, इसको अच्छे से चला देते हैं, अच्छे से चला देते हैं फरेंडा इसको। तो अच्छे से इसको चला देते हैं ब्राउन होने के लिए, उसके बाद हम आलू ऐड करेंगे इसमें। फरेंडा हमारा जो है प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, तो फरेंडा इसमें हम डाल देते हैं जो बारीकी आलू काट के रखे हुए थे। तो इसमें हम डाल देते हैं तेल में। हाँ तो फरेंडा इसको अच्छे से चला लेते हैं, अब इसको ढक देते हैं धीमी आंच पे ताकि अच्छे से पक जाए। और गैस को लो कर देते हैं, चला के देखते हैं फरेंडा कि हमारा आलू जो है अच्छे से हुआ है कि अभी नहीं हुआ है। तो इसको हटा के देख लेते हैं, ला लेते हैं फरेंडा। और इसमें हम डाल देते हैं नमक, तो 1 चम्मच डाल देते हैं नमक। आप अपने स्वादानुसार नमक डालिए, इसको अच्छे से चला देते हैं। डाल देते हैं टमाटर जो हमने बारीक काट के रख लिया था, तो इसको अच्छे से चला देते हैं। और इसको ढक देते हैं, अच्छे से पक गया। तो गाइस फाइनली हमारा हो चुका है तो फरेंडा हमारा टमाटर हो चुका है, इसको मेल्ट कर लेते हैं। आलू मेरा मिक्स हो गया, अब इसमें डाल देते हैं मसाले, थोड़ा हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं, हल्दी भी डाल देते हैं इसमें फरेंडा, तो मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे मसाला पकने के लिए, अपने स्वादानुसार डालिएगा पानी। पकना शुरू हो गया है फरेंडा, तो देखिए हमारा मसाला पक रहा है, सब्जी हो चुका है ये, इसको नीचे उतार लेते हैं फरेंडा। हो चुका है मेरा सब्जी, पक गया है, देख लीजिए अच्छे से।